खोज भरपूर ते लेखा नाल शिंगारिया कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट वालों धार्मिक रसाला सिफत सलाह पंजाबी हिंदी ते अंग्रेजी तिन्ने भाषावां विच हर दो महीने बाद तुहाडे घरां विच पहुंचदा है। रसाला बुक करवाउण लई संपर्क करो 98765-25850। जिम निस दिन घर काज सवा सुधारै महाराज कहिंदे जिवें असी अपने घर रोज सवार सवार के काम करदे आ जिवें अपने घर जिम निस दिन घर काज सुधारे रोज त्यागो कबू ना लागे प्यारे इन्ना प्यार दे नाल घर दे जड़े चीजां नू रोज दी रूटीन नू सवारदे आ करदे आ। हुण थोड़ा जा नोट करियो मेरे ख्याल नाल तुहाडे घर मान लो तीन कमरे ने कोई दिन एहो जिहा नहीं होया होएगा भी तुसीं सफाई ना कीती होवे रोज रूटीन है। यह कह रहे गुरु रामदास जी रोज रूटीन है तिना कमरिया च भावे काम वाली रखी है नाल आप उन्हूं सिर ते रहना पोचा लाना रसोई है सारा दिन जिवें मर्जी चलती रहे सवेरे फिर एक बारी भांडे मजवाने हैं सारी रसोई की सलफ जिहड़ी उह साफ करनी है चीजां टिकाने टिकाने सवार के फिर दोबारा रखनी है सारा दिन फिर भावें वरतीनियां रहे मेज गिला कपड़ा मारना है सोफा एक करी झाड़ना है जिवें घर की रूटीन च असीं रोज प्यार दे नाल सारा कुछ सवारदे आ ना। जिम निस दिन घर काज सुधारे त्यागो कबू ना लागे प्यारे त्यागो कबू ना की अर्थ है मैं इथों तक वेख्या कई बीबिया ने एक दो दिन बाहर भी जाना होगा ना अपनी भैन नू या गुआंढण नू या किसी नू चाबी दे जाणगियां सफाई वाली आई काम करा दी घर का जी सफाई का ना नागा ना पै जाए वो जी घर की रूटीन है ना सारी वो चली जाए जरा रोज असं अपने कमर रसोई बेडरूम सवार आ चादर चुक दौ बिछाओ सही करके रात के बट पे है होर भी गुरु रामदास जी कहते हैं जिमें अपने घर के कामों में नागा नहीं पैन देता रोज कमरिया रसोई बेडरूम होर चीजा सवार पिता जी की कहते हैं जिम निस दिन घर काज सुधार त्यागो कबू ना लागे प्यार त्यागो कबू ना लागे प्यार ऐ गल कह के ना उन्हां चारां सिखां नूं भी जिवें घर नूं रोज सवारदे हो रोज सफाई करदे हो रोज सारियां चीजां ठीक करदे हो बड़े प्यार दे नाल नागा नहीं उच्च पैण दिंदे ते गुरु रामदास जी कहिंदे सिखो तथा प्यार धारो गुरबाणी तथा प्यार धारो गुरबाणी इतना ही गुरबाणी नाल भी प्यार करो आखो सतनाम इनू भी इतना रूटीन च लियाओ रोज इनू भी इतना एक नंबर पर रखो अहमियत दो इनू फालतू काम ना समझो तथा प्यार तारो गुरबाणी तथा प्यार तारो गुरबाणी
पठन सुनन कीजे रुच ठानी, पठन सुनन पठन पढ़नी बाणी सुननी कीजे रुच ठानी। इहदे विच वी असलियत लियाओ। हुण मैं अज दा इह पंज चीजां कहीआं, मैं पहली शुरू कीती है, गुरु ने कराई है। इहनू आप जी अगे किवें रखां, किवें दसां कि कई वारी असी गुरु दे कम्मां नू थोड़ा बोझ बना के करदे आं। आखो साथ नाल, बाबा कहिंदा बोझ कढ दे विच। जिवें घर दे कम्मां नू प्यार नाल सवारदे, लाने सब करदे, इस तरह ही जिहड़े गुरबाणी पढ़नी सुननी इहनू वी एक नंबर ते लै, इहनू वी अहमियत दे दे। गज के आखो सतनाम। इहदे विच वी प्रेम लिया, प्यार लिया। उस वेले तेरे अंदर दे ख्याल बने होण, इस वेले जिहड़ा मैं पंज बाणियां दा नितनेम करन लगी आ, इहनू इन्नी सावधानता नाल करना है कि इस तों जरूरी काम कोई है ही नहीं। निका जा बॉर्डर है, बस इनू टप्पण दी लोड़ है। कई वारी बहुत शरीर गुरु दे काम करदे है, बाणी पढ़दे है, सिमरन करदे है, सेवा करदे है, पर धक्के नाल बंदा चट्टी नाल बोझ नाल हाजरी ते वह भी लगती होएगी। पर गुरु रामदास जी कहते जिथे तू पहुंचना चाहना भी मैं सिखी कमावां, नाम कमावां, सिखी तक पहुंचा, उथे जिवें घर दे कमां नाल प्यार करदा उतना गुरु दे कमां नूं भी इंज प्यार विच लिया। आखो सतनाम। प्रेम विच लिया। किसी को मुश्किल आई सी, उन्हों आख्या सी 45 मिनट बाबा दीप सिंह दे दर ते वाहिगुरु जपदे झाड़ू दे। कोई बीबी सी, ये बीती बात है, वह झाड़ू दे रही सी, कोलों कोई बीबी लंघी तो उन्हें पूछया भैन जी कितनी तरीक है अज, उन्हें तरीक दसी। जदों तरीक दसी तो झाड़ू देने वाली बीबी कहती शुक्र है 8 दिन ही रह गए ने। नोट करे बस कुंडी इन्नी की, झाड़ू दिता जा रहा है, सिमरन किया जा रहा है, और एहो जे बोझ थले कीता जा रहा है, शुक्र 32 दिन हो गए है, शुक्र 8 रह गए है। गुरु रामदास जी कहते बोझ कढ दे विच, आ बोझ कढ दे, बद्दा चट्टी कढ दे, उहदे विच प्रेम लिया। एहो जा प्रेम लिया कि वाहिगुरु जपदिया ए दित्ता होया एक एक झाड़ू, पता नहीं इन्हें मेरे केड़े केड़े जिंदगी विच्चों पाप जड़े ने झाड़ू मार के बाहर कढ सुटने। सिर्फ इशारा समझो, गुरु वो मंगदा है। असलियत लिया मेरे कम्मां च, असली प्यार लिया मेरे कम्मां, उन्हूं बोझ बना के ना कर, प्रेम च कर। जिवें घर दे सारे चीजां नूं प्रेम च सवारदा, लाना रोज कारजां नूं करदा, करदा दास नूं याद है जिहड़ी हर की पौड़ी है ना दरबार साहब, उत्ते वड्डा सरूप है गुरु ग्रंथ साहब जी का, उत्थे खंडपाठ साहब की वारी बहुत लेट मिलती है, कईआं दा मन हुंदा उत्थे हाजरी खंडपाठ साहब की गुरु रामदास सेवा लैण।
एक परिवार सी बाहर दा, उन्होंने वारी मिली। एक दिन पहले आके उन्हें फोन किया, दास किथे हो किवें हो, मैं उन्होंने कहा भी कल मिल लेना भलाई केंद्र ही। मैनू कहन लगे असी तीन दिन वैसे इत्थे ही रहना है, पर तीन दिन असी किसे नू भी मिलन नहीं जाना। गुरु रामदास दे दर ते खंड पाठ साहब दी परिवार नू सेवा मिली है, ते साडी भावना है कि साडे परिवार दा एक मैंबर उत्थे हर वेले हाजर रह के पाठ सरवण करे। आ प्यार है, बस कुंडी है। एक है चिट्ठी राही बुक, चिट्ठी राही हुक्मनामा, हाजरी उन्होंने भी लगूगी, पर जिथे वो आ जाए प्यार, कोल खलो के चौर साहब करनी है, कोल खलो के पाठ सरवण करना है। जब तक घर का दूजा मैंबर नहीं आया मैं जाना नहीं। मैं कहना उत्थे गुरु ही वेखद ये प्यार मुहब्बत जड़ा अंदरों है। बाबा नंद सिंह जी दे ते इथों तक बचन ने, कहंदे सी एक गुरु ग्रंथ साहिब जी दा खंड पाठ भी शरदा ते मर्यादा नाल हो जावे, गुरु चाहे ते मुड़दे च भी जान पै सकदी। इन्नी ताकत है बाणी। मृतक को जीवालन हार, लोड़ है उसकी असलियत लियान, असलियत। हुण फील ना करे तुहाडे ते किरपा है, पर बोलना पैंदा हर तरह का स्रोत। घर तुसीं खंडपाठ साहब करा रहे हो, एक कमरे च खंडपाठ साहब चल रहा है, दूजे विच टीवी ते ड्रामा चल रहा है। ये वो गल बन जाएगी। एक पौलत सी नाते हैं, दोए भोए चढ़िए सुखो। गुरु रामदास जी कहते भी भगती दे कम्मां च, सेवा दे कम्मां च भी जदों असलीयत आ जाती ना, वो असली प्यार, फिर वो दाता मिलनी है। वज गए पंज, जरा पिता जी का दर्शन करो, जिन्हां दे कोल सिख आए ने। गुरु रामदास जी गोइंदवाल, वज गए पंज। किसी ने कांडी इंज सुट्टी, किसी ने कांडी इंज सुट्टी, किसी ने टोकरी उधर सुट्टी, किसी ने बिन्नू उधर सुट्टिया, पर भाई जेठा जी गुरु रामदास जी एक एक कांडी कट्ठी कर दे, जिथे टिकाणा है उत्थे पहुंचांदे, एक एक टोकरी उन्हों साइड ते, बिन्नू कट्ठे कर दे। पुरखा छे बज गए, पौने छे बज गए, सारे पांच बजे छुट्टी कर गए, तू टोकरियां चुन रहे हैं, बिन्नू चुन रहे हैं, कांडियां कट्ठियां। भाई जेठा जी कहिंदे मेरा अपना घर है, गज के आखो सतनाम, मेरा अपना घर है, जिन्हां दी दिहाड़ी होएगी वो टाइम दी गिणती करे।